हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रविवार को सूर्य के मीन राशि में गोचर होते ही इस साल के पहले खर मास का प्रारंभ हो गया है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जब भी ग्रहों के राजा सूर्य अपने पति, मित्र, गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो खर मास लगता है। खर मास में सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है, जबकि खर मास के महीने में पूजा पाठ और दान पुण्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस एक महीने की अवधि में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। खर मास में नई वस्तुओं को खरीदने को भी मनाई है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि खर मास को लेकर क्या कहते हैं नियम, क्यों खर मास में नए वस्त्र खरीदना वर्जित माने गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, खर मास के दौरान वैवाहिक कार्य, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, मुंडन आदि मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। खर मास में चारपाई का त्याग करके जमीन पर सोना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा खर मास में थाली आदि में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। खर मास के दौरान लोगों को किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही कि किसी को कटु वचन कहने चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, खर मास के दौरान किसी भी प्रकार से मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। खर मास के दौरान सूर्य देव की विधि पूर्वक उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खर मास में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और घर में धन की वृद्धि होती है। खर मास के दौरान गरीब ब्राह्मण, गुरु, गाय और साधुओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा खर मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान, संध्या आदि के स्नान, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इसके अलावा तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, खर मास के महीने में हर रोज सूर्य पूजा करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और दान पुण्य के कार्य करना विशेष फलदायी माने जाते हैं। इसके अलावा खर मास में इष्ट देवों की पूजा पाठ करना और उनके नाम से दान पुण्य के कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। खर मास के महीने में गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा दोस्तों, खर मास के महीने में यथाशक्ति द्वारा दान पुण्य का कार्य करने से कुंडली में स्थित अशुभ ग्रहों के प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस महीने में जप,
तप और मंत्रों का उच्चारण करना भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। आइए अब जानते हैं कि खर मास में क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, खर मास के महीने में मांगलिक कार्यक्रम जैसे कि मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह आदि ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके साथ ही बहु बेटियों की विदाई भी नहीं की जाती है और कोई नया कार्य भी शुरू नहीं करना चाहिए। खर मास के महीने में मकान, जमीन, प्लाट और रियल एस्टेट से जुड़ी चीज़ें खरीदने की मनाही है। इसके साथ ही आप सूर्य और गुरु से संबंधित चीज़ें भी खरीदने से बचें। इसके अलावा दोस्तों, खर मास के महीने में नए कपड़े और आभूषण भी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन आप इनको अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। खर मास के महीने में अगर संभव हो तो गेहूं, चावल, मूंग की दाल, जीरा, आम, सुपारी, सेंधा नमक, सौंठ, जौ, तिल ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। साथ ही वाद विवाद और बहसबाजी से भी बचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको खर मास की कथा भी ज़रूर सुनाऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। जब औरों को इस जानकारी से लाभ होगा तो आपको भी इस वीडियो को शेयर करने का पुण्य प्राप्त होगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।